जिस तरह से 500, 1000 के नोट बंद हो गए थे, क्या 2000 के नोट भी उसी तरह से बंद होने जा रहे हैं? क्या 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे? वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। वेलकम टू द चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2000 के नोट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जानेंगे आरबीआई के सर्कुलर के थ्रू 2000 के नोट के साथ क्या होने जा रहा है। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जो कि 19 मई 2023 का है। दोस्तों आपने न्यूज़ में अभी तक ये तो सुन लिया होगा 2000 नोट बंद होने जा रहे हैं, 2000 के नोट, लेकिन उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे सर्कुलर के माध्यम से। दोस्तों 2000 के जो डेनोमिनेशन के जो बैंक नोट्स हैं वो सर्कुलेशन से विड्रॉ किए जा रहे हैं, यानी कि अब वो चलन में नहीं रहेंगे, लेकिन वो लीगल टेंडर रहेंगे। इसका मतलब है वो वैध रहेंगे, आप अभी भी उन नोटों से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लेन देन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बस अब कागज के टुकड़े हैं, तो 2000 के नोट अभी कागज के टुकड़े नहीं है, वो लीगल टेंडर हैं, आप उनको चाहें तो यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2016 को अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसके पीछे का रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का 2000 के नोट को? दोस्तों करेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आप सबको याद होगा 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे जिसकी वजह से करेंसी बहुत कम हो गई थी इकोनॉमी में, तो उसको पूरा करने के लिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों 2000 का जो नोट है उसका ऑब्जेक्टिव तभी पूरा हो गया था जब अदर डेनोमिनेशन के नोट्स इजीली अवेलेबल होने लगे थे, जैसे 500 के हो गए, 200 के हो गए, 100 के हो गए, 50 के हो गए। जब ये इजीली अवेलेबल होने लगे तो इसका एक ऑब्जेक्टिव था जो पूरा करना था, वो पूरा हो गया दोस्तों, क्योंकि सारे नोट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे। 89% जो 2000 के नोट थे वो मार्च 2017 से पहले इशू किए गए थे, जिनका लाइफ स्पैन लगभग 4-5 साल का था, जो कि लगभग पूरा हो गया है। दोस्तों आरबीआई की एक पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी, यानी क्लीन नोट मार्केट में होनी चाहिए, तो उसका भी टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो 2000 के नोट को वापस करना और भी ज़रूरी हो गया। दोस्तों 2000 के नोट जो सर्कुलेशन में थे पहले वो थे 6.73 लाख करोड़, जो कि घटकर इस टाइम पे प्रेजेंट जो भी मार्च की एंडिंग हुई उसमें 2023 में उसमें वो बचे हैं 3.62 लाख करोड़। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इन नोट्स का जो यूज़ है वो ट्रांजैक्शन में बहुत कम होता है, लोग आम लेन देन में इनका यूज़ उतना करते नहीं है, और ये अभी लीगल टेंडर है तो आप अभी चाहें तो इसका लेन देन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये एकदम कागज़ के टुकड़े नहीं हो गए। तो जानते हैं अब इस नोट के साथ आपको करना क्या है। दोस्तों पब्लिक 2000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकती है, अगर वो बैंक अकाउंट में जमा ना करना चाहे तो काउंटर से बैंक में जाके उसको एक्सचेंज भी करा सकती है। दोस्तों ये शुरू कब होगा? ये शुरू होगा 23 मई 2023 से। 20,000 रुपये तक एक बार में आप ले जा सकते हैं चेंज कराने के लिए, और इसकी डेडलाइन कब तक है? ये सितंबर 30 तक है, यानी सितंबर 30 तक आपको अपने सारे 2000 के नोट या तो बैंक में जमा करा देने या तो आपको एक्सचेंज करा के काउंटर से बैंक के ले लेने हैं। दोस्तों अगर आप बैंक ब्रांच से नहीं कराना चाहते तो आप डायरेक्टली आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ से भी जाके इस काम को करा सकते हैं। बैंक अब 2000 के नोट इमीडिएट इफेक्ट से देना बंद कर देगा, यानी जो बैंक है अब वो 2000 के नोट आपको आम पब्लिक को नहीं देगा। तो दोस्तों परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको जब टाइम हो 30 सितंबर तक आप जाइए बैंक में अपने नोट्स चेंज करिए, एक बार में आप 20,000 तक चेंज कर सकते हैं। बाकी ये लीगल टेंडर हैं, आपको हॉस्पिटल में देने हैं, शादी के खर्चे में देने हैं, आपको कहाँ जहाँ भी यूज़ करना है आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से इस नोट को चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, यूज़फुल रहा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।